तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीधे लेकर चलेंगे यूपी के रामपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको। प्रत्याशी रहे श्री हमजा मियां जी, डॉक्टर तनवीर अहमद जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री आकाश सक्सेना जी और रामपुर के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष के अंदर देश के अंदर सबसे अधिक चुनाव और उपचुनाव झेले हैं तो उनमें से रामपुर एक है। भाइयों बहनों, पहले जनता से समर्थन लेना, फिर जनता का उस पद से इस्तीफा दे देना, बार बार चुनाव होना, यह रामपुर के विकास को बाधित करने जैसा है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि बार बार के उपचुनाव से मुक्ति पाइए, रामपुर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाइए। इसी के लिए आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। आखिर क्या कारण है? रामपुर जिसकी अपनी एक पहचान थी, कभी रामगाम के नाम पर, तो चलिए जिक्र हम कर रहे हैं आफ्ताब से जुड़ी अब बड़ी खबर का। बड़ी खबर सहयोगी अक्षिता के पास, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट खत्म हो चुका है और तिहाड़ जेल में हुआ आफ्ताब का पोस्ट नार्को। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, न्यूज इंडिया आपको यह भी आज का दिन बताएगा टचवॉल के जरिए कि आखिर पोस्ट नार्को टेस्ट होता क्या है, कौन कौन सी प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार छानबीन का दौर जारी रहा, पूछताछ का दौर भी जारी रहा, लेकिन आफ्ताब ने जो बातें कबूली हैं उससे कई बड़े बड़े खुलासे हुए। अभिषेक, बिल्कुल। तो देखिए, पहले पॉलीग्राफ टेस्ट और उसके बाद फिर नार्को टेस्ट, और अभी अभी खत्म हुआ है पोस्ट नार्को टेस्ट। अब सवाल यही है कि यहां से चीजें क्या पुलिस के पक्ष में कुछ जाती हुई दिखेंगी, क्योंकि पुलिस अभी भी सबूत तलाश रही है और पुलिस के हाथ सबूत अभी कुछ भी नहीं है। कुंदन, तो देखिए, नार्को टेस्ट से उम्मीद थी कि नार्को टेस्ट में पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगेगा जिसके आधार पर पुलिस सबूतों को तलाश पाएगी, खंगाल पाएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि पुलिस के हाथ नार्को टेस्ट के बाद भी कुछ हासिल हुआ है। लेकिन पोस्ट नार्को टेस्ट होता क्या है यह भी हम आपको बता देते हैं। पोस्ट नार्को टेस्ट क्या है? सवालों के जवाब मेल न खाने पर होता है पोस्ट नार्को टेस्ट, यानी कि जो सवाल जवाब हुए पॉलीग्राफी टेस्ट में, नार्को टेस्ट में जो सवाल जवाब मैच नहीं करते हैं तो फिर पोस्ट नार्को टेस्ट किया जाता है। ये आज बताया जा रहा है तिहाड़ जेल में हुआ है। नार्को टेस्ट में मिले जवाबों की पोस्ट नार्को टेस्ट में पुष्टि कराई जाती है, यानी कि जो जवाब पहले दिए थे आफ्ताब ने उससे पुष्टि कराई जाती है, मेल कराई जाती है। अगर नहीं मेल खाती है तो फिर से एक टेस्ट हो सकता है। पोस्ट नार्को टेस्ट में पूछे जाते हैं एक जैसे कई सवाल और उसके आधार पर यह असेस किया जाता है कि जो जवाब उसने पहले दिए थे उससे मेल खाते कि नहीं। पोस्ट नार्को टेस्ट 2 से 4 घंटे की प्रक्रिया कही जाती है। तो इस पूरे मामले पर अली शरद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे हम पूरे मामले पर समझेंगे। अली, नार्को टेस्ट में क्या हासिल हुआ, क्या बताया उसने, और अब पोस्ट नार्को टेस्ट भी हो चुका है, अंदर से क्या खबर निकल कर के सामने आई? पुलिस के हाथ कुछ ठोस लगा भी है या खाली हाथ है पुलिस? ठीक है, बिल्कुल कुंदन, आपको बता दें आज दिल्ली के तिहाड़ जेल में ये टेस्ट हुआ है, जिसे पोस्ट ग्राफिक टेस्ट भी कहा जाता है और इसे पोस्ट नार्को टेस्ट भी कहा जाता है, इसलिए कि जो इससे पहले कोरोग्राफिक टेस्ट किया गया था और आज जो हुआ है, इसके बीच के जो सवालों के जवाब थे वो सही हैं या नहीं है, ये इसलिए आज टेस्ट हुआ है। हालांकि होना था दिल्ली के रोहिणी FSL में, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र इसलिए दिल्ली पुलिस ने ये निर्णय लिया कि अब जेल से ही ये टेस्ट कराया जाए। तो 4 सदस्य डॉक्टरों की टीम और केस के आयु ने 1 घंटे 45 मिनट आरोपी आफ्ताब से सवाल जवाब किए और कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो रह गए थे वो भी किए। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि अब इस केस में जो गुत्थी उलझ रही थी वो सुलझती नजर आ रही है। कुंदन, तो गुत्थी सुलझती दिखाई दे रही है, लेकिन कल जो नार्को टेस्ट हुआ उसके बारे में अली कुछ बताया गया कि क्या बातें कबूली है? क्योंकि नार्को टेस्ट पे पूरी उम्मीदें टिकी हुई थी, नार्को टेस्ट में आफ्ताब कुछ ऐसा बताएगा जिसके आधार पर जो मिसिंग बॉडी पार्ट है, हेड का पार्ट है, बहुत मोबाइल मिसिंग है
और बाकी सबूतों को इकट्ठा करने के लिए नार्को टेस्ट पर सारी उम्मीदें टुकी हुई थी, लेकिन क्या उसने सही तरीके से जवाब दिया या फिर कल भी शातिराना हरकत उसकी जारी रही? देखिए कुंदन, पहले जो पोर्नोग्राफिक टेस्ट किए गए थे उन सवालों के जवाब नोट किए गए थे, इसके बाद नार्को टेस्ट की प्रक्रिया अपनाई गई थी 1 दिसंबर यानी कल। अब उन सवालों के जवाब मेल खाएं या ना खाएं इसके लिए एक पोर्नोग्राफिक टेस्ट के मद्देनज़र एक टीम स्पेशल गठित की गई, जो कि अब पोस्ट नार्को टेस्ट जिसे कहा जाता है वो दिल्ली के जेल तिहाड़ से की गई है, और वहां से बताया जा रहा है कि कई ऐसे सवाल थे जिनको गुमराह कर रहा था आरोपी आफ्ताब, वो पूछे गए हैं। क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी बात ये, इस केस में करीब 20 दिन होने को आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ अभी ना तो मोबाइल फोन लगा है ना ही मृतक श्रद्धा का सर लगा है, जो बहुत इस केस में महत्वपूर्ण है। किसी भी आरोपी को सजा दिलाने के लिए सबसे पहले ठोस सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं, जिसको लेकर के एक चुनौती बनी हुई है दिल्ली पुलिस के लिए, वो लगातार साक्ष्य इकट्ठे करने के लिए टेस्ट की प्रक्रिया अपना रही है। कुंदन चलिए बिल्कुल अली, आगे क्या क्या खुलासे होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अब बात करेंगे कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी की, जिन्होंने अपने भाई के साथ सरेंडर कर दिया, लेकिन जो खुलासे अब होंगे आगे पूछताछ में वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इरफान सोलंकी जो लगातार धमकियां दे रहे थे उन धमकियों में कई सारे आरोप भी उन पर लगे हैं। मुंबई में जब होते तो कुछ तस्वीरें भी उनकी सामने आई थी। अभिषेक बिल्कुल, तो देखिए पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि इरफान सोलंकी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, लेकिन उसमें पुलिस को कामयाबी नहीं मिल सकी थी। और कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आई थी दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की, वो तस्वीरें बताई जा रही थी। अब जाकर के कहा यह जा रहा था कि आज हो सकता है पुलिस कुर्की करेगी, लेकिन उससे ठीक पहले यह जानकारी निकल करके सामने आई कि इरफान सोलंकी अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने सरेंडर कर दिया है। इस मामले को लेकर के वहां के डीसीपी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी, नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे, कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। उसी केस में पुलिस ने इनको इमिजिएटली अरेस्ट कर लिया है और दोनों को आज को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और तो इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको कुछ चीजें बताएंगे क्योंकि ये बेहद अहम है। इरफान सोलंकी पे कई तरह के आरोप लगे, सपा के विधायक हैं, अपने पूरे परिवार के साथ आज पहुंचे थे और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए चीजें आपको बता देते हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी जिन्होंने पुलिस के सामने आज सरेंडर कर दिया है, जानकारी ये निकल करके सामने आ रही है कि इनकी घर की आज कुर्की हो सकती थी, उससे पहले इन्होंने आज सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि इरफान के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी, उन्होंने भी सरेंडर किया है पूरे परिवार के साथ। आज इरफान सोलंकी पहुंचे थे। आपको बता दें कि इरफान का कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर, इन चीजों को जब्त कर लिया गया है, यह जानकारी अभी निकल करके सामने आ रही है। महिला को धमकी देने और उसका घर जलाने का मामला था जिसकी वजह से इनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा था। और आपको बता दें कि इरफान सोलंकी जो हैं वो सपा के विधायक हैं और उनके ऊपर अब धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। राहुल, क्या अपडेट इस मामले में, क्योंकि अब तो सरेंडर उन्होंने कर दिया, गिरफ्तारी हो गई है, आगे क्या कुछ चीजें चल रही हैं इस समय? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से इरफान सोलंकी के ऊपर पुलिस का शिकंजा जो है वो लगातार कसता चला जा रहा था। आप देख रहे थे किस तरीके से जो है इरफान जो है लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे और पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। लेकिन आज जैसे ही इरफान तक सूचना गई कि आज पुलिस उनके घर की जो है मुनादी कर सकती है, उसके बाद जो है आज सुबह ही इरफान सोलंकी ने जो है कानपुर कमिश्नर साहब के यहाँ जो है सरेंडर करने का फैसला किया, जिसपे जो है तुरंत ही उनकी हिरासत दिखाई दी गई। राहुल भदौरिया, शुक्रिया इस बातचीत करने के लिए। तो इरफान सोलंकी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनके भाई को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिजवान सोलंकी को, और आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी।